हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जिस स्टॉक को आज एनालाइज करने वाला है, इस स्टॉक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। स्टॉक में अगर देखेंगे 2018 का जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई था गाइस 32 रुपीस का लेवल, स्टॉक में हमको फ्राइडे को उस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है गाइस। उसके बाद स्टॉक में हमें 40 रुपीस तक का लेवल देखने को मिले ऊपर में, और देखें तो गाइस स्टॉक में हमें 3% से ज्यादा रैली देखने को मिल चुकी है। और मंथली टाइम फ्रेम पर गाइस इसमें हमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है गाइस। स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद गाइस रिटेस्टिंग हुई डाउन साइड में, उसके बाद गाइस हमें पुल बैक देखने को मिला, और स्टॉक में गाइस इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में गाइस अब हमें 40 रुपीस के लेवल के बाद जो मूव देखने को मिलेगी 50 रुपीस से लेकर गए 60 रुपीस तक के लेवल हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि करीब गए 50% के करीब है। तो चलिए गए बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक में यहाँ पर देखे गए हमें 23 रुपीस के लेवल पर सपोर्ट देखने को मिला, और उसके बाद गए स्टॉक में हमें 40 रुपीस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल चुके हैं। स्टॉक में गैस जिस लेवल पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था गैस 20 रुपीस का लेवल था, और उसके बाद गैस हमें रिटेस्टिंग देखने को मिली थी। इस लेवल से लेकर गैस ऊपर में अपने रेसिस्टेंस लेवल तक देखा तो गैस हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक में आने वाले दिनों में 77% से ज्यादा के टारगेट स्टॉक में देखने को मिलने वाले हैं। स्टॉक के अगर करंट प्राइस से लेकर गैस ऊपर में अपने टारगेट देखें तो गैस 77% टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे 60 रुपीस से ज्यादा का मूव स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक गैस कुछ मूव पहले ही कर चुका है, हमारे जो स्टिल अभी पेंडिंग टारगेट्स रह जाएंगे इसमें गैस 60% के करीब टारगेट हमारे अभी पेंडिंग रहेंगे, जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। और जिसमें गैस हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस गैस इसमें हमारा 12% के करीब रहा है, जो कि गैस 34 रुपीज का लेवल है। और स्टॉक में जो गैस हमारे टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 50 रुपीज तक के लेवल रहेंगे, उसके बाद गैस मीडियम टर्म के लिए हमारे 60 रुपीज और उसके अबव के लेवल्स रहेंगे। तो गैस स्टॉक में छोटा सा असर लगा कर गैस 12% का 34 रुपीज का लेवल, और गैस स्टॉक में 50 रुपीज से लेकर 60 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए गैस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना जा सकते। तो आज की वीडियो में गैस बस इतना ही। आई होप गैस आज की हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। गैस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।